हेलो एवरी वन हाउ यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस और आप सभी इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं वैसे से रिलेटेड एक वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आइए आज हम इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक नए तरीके से तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा अक्सर क्या डिस्क्राइब करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो ये हमारी हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है अनचेंजिंग सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है जनरल को डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को भी बताता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये जो सिंपल प्रेजेंटेंस है वो कभी भी उस एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता जो अभी चल रहा है ओके okay? तो अब हम एक एक सिचुएशन को उसके सेंटेंसेस के हिसाब से देखेंगे और समझेंगे और फर्दरली इसको डिस्कस करेंगे जैसे फर्स्ट आई स्मोक स्मोक एक हैबिट है तो इस तरीके से आप अपनी हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट शी वर्क्स इन लंडन वो वर्क करती है लंदन में जो एक अनचेंजेबल सिचुएशन है तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं थर्ड है लंदन इज़ अ लार्ज सिटी ये एक जनरल ट्रूथ है जो कि चेंज नहीं हो सकता तो ऐसे सेंटेंसेस भी जनरली सिंपल टेंस में यूज होते हैं उसके बाद है फिक्स्ड अरेंजमेंट्स फिक्स अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है कोई ऐसा काम जो कि किसी टाइम को बता रहा हो किसी फिक्स टाइम को बता रहा हो जैसे ये सेंटेंस योर एग्जाम स्टार्ट्स एट नाइन तो इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं समटाइम्स इट हैपन्स वेन पीपल कम अक्रॉस अस एंड दे टेल कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है एस और ई एस लगता है और इज़ार एम नहीं यूज होता तो ऐसा कुछ नहीं है आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी अगर कोई हैबिट है यू यूज़ सिंपल प्रेजेंट कोई अनचेंजिंग सिचुएशन है कोई जनरल ट्रूथ है और फिक्स्ड अरेंजमेंट्स है तो आपको सिंपल प्रेजेंटेंस ही यूज करना है गॉट इट अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्सप्रेस करने के लिए अपना फ्यूचर टाइम कुछ कंजंक्शंस के बाद सिंपल प्रेजेंटेंस का यूज़ करना पड़ सकता है जैसे कि आप ये देख रहे हैं ही विल गिव इट टू यू उसके बाद कंजंक्शन वेन यू कम नेक्स्ट सैटरडे तो यू कम नेक्स्ट सैटरडे इसको ये ध्यान रखना है बट मेक श्योर ये एक कंजंक्शन के बाद ही आएगा अब हमारी ये नेक्स्ट सिचुएशन है जो की है इंस्ट्रक्शन या फिर डायरेक्शंस तो जब कभी आपको कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देनी हूं तब भी आप सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे जैसे ये ओपन द पैकेट एंड पोर द क्वेंटेंट्स इन टू हॉट वाटर सो आई होप यू गॉट इट अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है रिपीटेड एक्शंस की और इवेंट्स की तो जब कभी आप कोई एक्शन या फिर कोई इवेंट को रिपीट करते हैं तब आप सिंपल प्रेजेंटेंस का ही यूज करेंगे जैसे कि ये एग्जांपल वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग तो यहां पर जो कैच करने का काम है बस को वो हम एवरी मॉर्निंग करते हैं ऑन द रिपीटेड बेसिस तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में आप सिंपल प्रेजेंटेंस का यूज करेंगे तो अब जब हमने सारी चीजें जान ली हैं तो अब हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन जानेंगे जो कि इस तरीके से है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा वर्ब दो हो सकती है या तो हेल्पिंग वर्ब या तो फिर एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा अभी हमने सेंटेंस फॉर्मेशन में जाना कि वर्ब दो तरह की होती है एक हेल्पिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में एक्शन वर्ब को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं और एक्शन वो होती हैं जो काम को बताती हैं जैसे प्ले सी लाफ क्राई एटसेट्रा ओके और हमने साथ ही साथ ये भी जाना है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं एक सिंगुलर और एक प्लूरल तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ जैसे कि आप जानते हैं अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट है वो या तो प्रोनाउन होगा या तो फिर नाउन होगा और अगर वो वन है वन इन नंबर तो वो सिंगुलर है और अगर वो मोर देन वन इन नंबर है तो वो प्लूरल है जैसे ही शी इट और किसी का नाम ये एक ही है या एक लड़का या एक लड़की या कोई सामान या एक नाम और इसी जगह अगर वो ज्यादा है दे बहुत सारे यू तुम वी हम मोर देन वन आई एंड मोर देन वन इन नंबर तो आई होप आपको समझ आ गया होगा की सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल होते हैं तो अब आप आपको ये कैटेगराइज करना आ गया होगा की कौन से सिंग्यूलर है और कौन से प्लूरल और इजिली अगर आप चाहते हैं तो आप ये याद कर सकते हैं कि he, she, it और किसी का नेम ये सिंग्युलर होते हैं या कोई भी चीज वन इन नंबर अदरवाइज ऑल सब्जेक्ट विल बी प्लूरल अब टाइम आ गया है सुपर से भी ऊपर वाली ट्रिक को यूज करने का जिसे यूज कर आप अपनी लाइफ में सिंपल प्रेजेंटेंस की चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में कभी नहीं अटकेंगे और डेफिनेटली अगर सारे ट्रिक्स पता है तो आप स्पोकन लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से अडेप्ट लेंगे सिंपल प्रेजेंटेंस की और इस ट्रिक को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या कोई ऐसी जरूरत है भी इस ट्रिक को जानने की कि नहीं तो यहां पर आप देख रहे होंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टू ऑप्शन दिए हैं उसमें आपको ड्रिंक ड्रिंक्स वॉच वॉचेस रेन रेन्स Freezes, freezes इस तरीके के कुछ ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं तो क्या आप इनको जज कर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं अक्सर हम इसी चीज में गलती करते हैं तो इसी के लिए ये ट्रिक है तो आइए ट्रिक स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सही जब कभी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जैसे ही शी इट और किसी का नेम यहां पर मैंने नेम की जगह राम लिखा है तो आपका जो वर्ब होगा वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा हालांकि ऐसा कुछ सिंगुलर प्लूरल वर्ब में होता नहीं है बट ये मेरी पर्सनल ट्रिक है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप अपनी जो वर्ब है उसे प्लूरल यूज करेंगे और ये हंड्रेड परसेंट वैलिड है अब जब हमने ये जाना कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी तो जो नेक्स्ट वाला है वो बिल्कुल ऑपोजिट है अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो दे यू वी आई और बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स आ सकते हैं तो उनके साथ आपको कभी भी एस और वर्ब में नहीं लगाना वो बिल्कुल सेम यूज़ होंगी, जैसे कि आपको ग्रामर में सिखाई गई है। प्ले प्ले, सी, है, तो है। तो हैं। का 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 आप देखें आई यू दे ये सारे ही कौन से सब्जेक्ट्स है प्लुरल सब्जेक्ट्स तो यहाँ पर जो हमारी एक्शन वर्ब है वो एकदम सिंगुलर है यहाँ लव का लव है है प्ले का प्ले play है प्लेज नहीं है डैन्स और लाफ में भी एस और यस नहीं है और बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो तो आप अपने सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे ही तो आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं आई लव हिम यू प्ले इन द पार्क वी डेंस एट द पार्टी दे लाफ एट मी सो आई होप इट वर्क फॉर यू अब इसी रूल को हम हमारी रिवर्सिबल सिचुएशन में यूज कर कर देखते हैं जहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं ही लव्स हर लव हर, शी प्लेज इन द पार्क, डॉग जम्प्स इन द प्ले ग्राउंड जॉन एट मी अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट जस्ट लाइक दिस ही डजंट राइट शी डजंट डेंस इट डजंट वर्क राम डज नॉट प्ले डजंट ज दिन ऑफ डज नॉट यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर हैं इसीलिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी उसके पीछे ई एस लग गया और वो प्लूरल हो गई वही सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट ओके okay? अब हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन की जहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है जैसे दे डोंट राइट यू डोंट अंडरस्टेंड आई डोंट नो वी डू नॉट लाव यहाँ पर जो डोंट है वो डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन है यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो है वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो गई जैसा कि आपने अभी इन सेंटेंसेस में देखा अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं जैसे डज ही राइट क्या वो लिखता है डज शी डांस क्या वो डांस करती है डज इट वर्क क्या ये काम करता है ड राम प्ले क्या राम खेलता है तो यहाँ पर भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर हैं तो आपके वर्ब में ई एस लग जाएगा और वो डज बन जाएगी अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो क्या होगा सिंपली उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो कि है डू और क्वेश्चन बनाएंगे जैसे डू दे राइट डू आई नो डू वी लाफ डू यू अंडरस्टैंड सो लाइक दिस वी फ्रेम प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओके अगर हम इस चीज को ब्रीफली डिस्कस करें तो अगर हमारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं जस्ट लाइक ही शी इट एंड समबडीज नेम तो आपको अपनी वर्ब में एस और एस एड कर, कर उसको प्लूरल बनाना है ओके okay? अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सिंगुलर वर्ब्स को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं जो मोस्ट ऑफ दी वर्ब्स होती हैं वो एस फॉलो करती हैं जैसे डांस डांसिस कुक कुक्स स्लीप स्लीप्स बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी वर्ब एस से एस एच से सी एच से और एक्स से एंड हो रही होती है उस टाइम हम वहाँ पर ई एस एड कर कर उन्हें प्लूरल बनाते हैं जैसे किस किसेस वॉश वॉशेस टीच टीचेस फिक्स फिक्सिस ओके समटाइम्स इट है हमारी वर्ब जो है वो एंड हो रही होती है वाई से और अगर हमारी वाई के पहले कॉन्सोनेट है तो आपको वहां पर वाई को ड्रॉप कर आई ई एस एड करना होता है ओके जैसे स्टडी का स्टडीज ट्राई का ट्राइस और इसी तरीके से गो का गोज डू का डेफ का है हो जाता है सो आई होप आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस तरीके से आप अपनी वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर ये लेसन तो खत्म हो गया पर आपका काम बढ़ गया ये टाइम है एक्सरसाइज टाइम जहाँ पर आपको उस सिंपल से ट्रिक को यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर इन दो ऑप्शंस में से किसी एक पे टिक करना है अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर कर बताइएगा एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ इट वर्क्स फॉर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग इसी तरीके की स्मॉल ट्रिक्स और यूजफुल वीडियोज को देखने के लिए मेरे साथ बने रही